हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस एफ यूट्यूबर। मैं आपका होस्ट अंदोष रॉनी। सो इस वीडियो में हम लोग रियलमी की एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस फ़ोन के लिए बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सो मई महीने से इस फ़ोन का लीक आना स्टार्ट हो गया था, तब से इस फ़ोन का लीक ही आ रहा था। तो हम लोग बात कर रहे हैं रियलमी जी टी न्यू 3T के बारे में बात कर रहे हैं। सो फाइनली रियलमी जी टी न्यू 3T का ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ गया है। हाँ दोस्तों, ये फ़ोन सितंबर महीने की 16 तारीख को ये फ़ोन इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होगा, एकदम कन्फर्म न्यूज़ है। सो रियलमी जी टी न्यू 3T में आपको क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, इस फ़ोन क्या प्राइस कैटेगरी के अंदर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, एंड ये फोन कब आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, इन सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। सो डिस्प्ले डिजाइन के बारे में बताऊँ तो इसमें आपको 6.62 इंच का आपको एक फुल एचडी प्लस का आपको ओलेड का पैनल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, एंड इसमें आपको 360 हर्ट्ज़ का आपको टच सैम्पलिंग रेट आपको देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको 1300 नीट्स का आपको पिक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगा, एंड आपको फोन में एक 5 होल का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एंड बैक पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलेगा, एंड ये फोन काफ़ी यूनिक डिजाइन के साथ आपको देखने को मिलेगा। मुझे तो डिजाइन काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को डिजाइन कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो चिपसेट के बारे में बताऊँ तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन की 870 का आपको चिपसेट देखने को मिलेगा, ए 5G चिपसेट है, ए 7 NMAH पे बेस्ड है, तो आपको तगड़ी बैटरी एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। इसका एंड्रॉइड स्कोर 6.5 लाख से ऊपर इसका एंड्रॉइड स्कोर आता है, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करेगा। सो गेमिंग ग्राफिक्स के बारे में बताओ तो इसमें एडिनो 650 का गेमिंग ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा, तो इससे आप अल्टीमेट तरह से गेमिंग कर पाओगे, एंड इसमें आपको UFS 3.1 का स्टोरेज एंड आपको LPDDR4S का रैम का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो आपको परफॉर्मेंस का सेगमेंट आपको और तगड़ी देखने को मिलेगा। रियलमी जी टी न्यू 3T आउट ऑफ द बॉक्स आपका एंड्रॉइड 12 आपको देखने को मिलेगा, एंड इसमें आपको रियलमी UI 3 आपका आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो रियलमी UI में आपको एयर ब्लूटूथ एंड बैग आपको देखने को मिलता है, बट आप इस ब्लूटूथ को इजीली डिलीट कर पाओगे, तो आपका एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस भी डिसेंट रहेगी। सो कैमरा के बारे में तो इसमें आपको बैक पे ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, 60 MP 4 MP का आपको मेन सेंसर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा, एंड आपको तीसरा 2 MP का आपको एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा, एंड बैक से आप 4K पैनल में बुके एच डी सब कुछ कर लोगे, एंड बैक पे फ्लैश रहेगी, एंड अगर फ्रंट पे आओगे तो फ्रंट पे आपको एक 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, एंड फ्रंट से आप 1080 पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे, एंड कैमरा आपको तागड़ी देखने को मिलेगा रियलमी जी टी न्यू 3T में। तो बैटरी के डिपार्टमेंट में बताऊँ तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको एक 18W की सुपर फास्ट चार्जिंग एंड आपको टाइप सी के पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सो एक फास्ट चार्जिंग, एक डिसेंट सा बैटरी एंड टाइप सी पोर्ट, तीन तीनों के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। सो सेंसर की बात हो तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, प्रॉक्सिमिटी जियोमेट्री, जायरोस्कोप, लाइट, कंपास, 3.5 mm जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर, मतलब सेंसर के मामले में कोई भी इशू नहीं आएगा। सो स्लॉट की बारे में बताओ तो आप एक्सपेंडेबल स्लॉट के साथ नहीं आएगा, तो आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। सो बेस्ट वेरिएंट के बारे में बताओ तो ये फोन मेरे हिसाब से जो बेस्ट वेरिएंट होगा 8GB 128GB का बेस्ट वेरिएंट स्टार्ट होगा इंडिया में। सो इसका लॉन्च डेट के बारे में बताओ तो पहले बता चुका हूँ, ये फोन आपको 16 सितंबर आपको ये फोन इंडिया में ऑफिशियल आपको देखने को मिलेगा, एंड प्राइस के बारे में बताओ तो ये फोन आपको अंडर 30,000 की रेंज में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से फोन आपको अंडर 30,000 को देखने को मिलेगा, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फोन आपको 28,000 की रेंज में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फोन कंप्लीट करेगा पोको F4 के साथ, ये फोन कंप्लीट करेगा, तो पोको F4 से इसका प्राइस एग्रेसिव होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से फोन आपको 27 से 28 हज़ार की रेंज में आपको ये फोन देखने को मिलेगा। सो आप लोग क्या रियलमी जी टी न्यू 3T इस फोन के लिए वेट करोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।